वेलकम टू माय फिल्म लेजेंड अवार्ड्स पावर्ड बाय एस्ट्रा ग्रीन। जब पैंडेमिक का दौर आया तो दुनिया भर से लोगों के दिमाग में ये सवाल आया कि एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड ने ये बात इतनी बड़ी मुश्किल को पहले से प्रिडिक्ट क्यों नहीं किया था। कई सारे लोग मुश्किल में थे और उनकी जिंदगी में जब क्राइसिस आए तो वो सोल्यूशन ढूंढने के लिए, अपनी जिंदगी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास में पहुंचे। और ऐसे में जो एस्ट्रोलॉजिस्ट थे उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई। क्या सॉल्यूशंस एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड ने उन लोगों को दिए, ये जानने के लिए और इन्हीं बातों के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर मिस्टर मनोज गुप्ता जुड़े हैं। लेट्स वेलकम मिस्टर मनोज गुप्ता विद अस। थैंक यू। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि पैंडेमिक के दौरान बहुत से लोगों के मन में क्वेरी थी कि लोगों ने पहले प्रेडिक्ट क्यों नहीं किया एस्ट्रोलॉजर्स ने। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगस्त 2018 के अंदर मैंने अपने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसका टाइटल था शनि करने वाले हैं विश्व में बहुत बड़ा चमत्कार। और उसमें मैंने कहा था कि जनवरी ऑनवर्ड जब सैटर्न की ट्रांजिट होगी उसके बाद में वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट होगा जो पूरी दुनिया को बदल के रख देगा। उसके साथ ही मैंने यहाँ ये भी कहा था कि उसके बाद अगले 4 से 5 साल में दुनिया की जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन हम देखेंगे, चाहे उसमें फिर राम मंदिर हो, धारा 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, या फिर अमेरिका के अंदर गोरे कालों का हो, चाइना का और अपना हांगकांग के साथ में जो प्रॉब्लम है वो हो। और आप देखिए उसके साथ मैंने ये भी कहा था कि एक बहुत शार्प फॉल आपके क्रूड मार्केट के अंदर आएगा और उसके अलावा ज्वेलरी मार्केट के अंदर भी और उसके अलावा शेयर मार्केट के अंदर भी एक बहुत बड़ा शार्प फॉल देखने को मिलेगा। और वो सब आपने देखा भी था। उस समय पर मेरे पास बहुत सारी ऐसी क्वेरी आई थी, उन्होंने कहा कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। मैंने उन्हें कहा था कि हर 30 साल के अंदर ट्रांजिट के अंदर ये शनि जो है अपनी राशि में आता है और मैंने इसके पिछले 4 टेन्योर स्टडी किए हैं, यानी 120 साल का डाटा जब भी मैं देख रहा हूं तो मुझे हर बार इसने कुछ बड़ा परिवर्तन किया है ये साफ साफ बता रहा है। 90s के दौर में आया, आप गूगल देखिए, इंटरनेट देखिए, उसने दुनिया को कहां से कहां पहुंचा दिया। उसी तरीके से 2020 के अंदर भी ये सैटर्न जो आएगा ये बहुत बड़े सिचुएशंस को हैंडल करेगा और यहां पर जो लोग भी अन्याय के रास्ते पर हैं उन्हें बहुत बड़ा डैमेज यहां पर जरूर मिलेगा और इससे कोई भी नहीं बच सकता। आप वीडियो मेरा आज भी अगर देखेंगे तो उसकी एक एक बात आपको सच होती हुई नजर आएगी। तो ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी से हम पहले से उस चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एस्ट्रोलॉजी काफी हद तक हमें अवेयर कर देती है कि आने वाला समय आपका इस तरीके का है और इसको आपको कैसे हैंडल करना है इसकी व्यवस्था हम पहले से कर लें। तो एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है और इसे हमें साइंस के रूप में ही जरूर लेना। तो सर पैंडेमिक के वक्त में भी देखने को मिला था कि लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा मेंटली एक अलग जोन में थे और अपनी सर्वाइवल को लेकर परेशान थे, तो जब वो आपके पास आए आपने किस तरह के सोल्यूशन उनको दिए? कि जब भी कोई व्यक्ति इस धरा पर आया है उसके साथ ही वो एक प्लेनेट की सिचुएशंस अपने साथ लेके आता है और उसके अकॉर्डिंग ही उसको नेचर से वो एक तरह की खूबियां मिलती हैं जिसको लेकर के अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ सकता है। हर व्यक्ति की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अलग होगा, लेकिन क्या होगा इसको बेहतर ढंग से प्रेडिक्ट करने का अगर कोई माध्यम है तो वो एस्ट्रोलॉजी है। और इस पैंडेमिक के दौरान हमने वही काम किया, लोगों को उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग क्या वो कर सकते थे, कितना समय अभी उन्हें सर्वाइव करने के लिए चाहिए था, क्या प्रॉब्लम्स उनकी चल रही है उसका सोल्यूशन उन्हें कब मिलेगा और फ्यूचर में क्या कोई इस तरह की प्रॉब्लम आने वाली है, इन सबको हमने पहले से प्रेडिक्ट करके उनको कुछ रेमेडीज बताई, सोल्यूशन दिए ताकि वो इस समय को बहुत ईजी गोइंग तरीके से निकाल सके। क्योंकि ये जो सिनेरियो बना था ये पूरी दुनिया के लिए था और सबने पहली बार इस तरह की चीजों को फेस किया था। देखा गया सर ऐसा कि बहुत से लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, जो कि अच्छा है, पर कुछ हैं जो कि अंधविश्वास पे उतर आते हैं और आंख बंद करके कर्म छोड़ के और सिर्फ भरोसा करना शुरू कर देते हैं, उन लोगों को आप क्या कहेंगे? आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही भी है और हकीकत यह है कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। जिस तरह से साइंस में आप एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके रिजल्ट्स आते हैं और उसको फिर आप अपने लाइफ के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी आपको ये गाइड करती है कि आपकी लाइफ के अंदर आने वाले टाइम में किस तरह की सिचुएशंस रहने वाली हैं, लेकिन आप उस सिचुएशंस को कैसे हैंडल करेंगे पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए यदि कोई आपको कहता है कि आपका दुर्घटना योग बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो घटना आपके साथ घटित ही होगी, वो माहौल क्रिएट होगा लेकिन आप किस तरीके से उसको लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। मान लीजिए आप बहुत लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं और अगर आपकी कुंडली में कोई ऐसा योग बन रहा है तो उसके घटित होने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है, लेकिन यदि मान लीजिए
कोई दुर्घटना योग आपकी कुंडली में बनता है और आपको अवेयर किया गया और आप उस समय पर बहुत सावधानी के साथ गाड़ी चलाते हैं, अपने आप बहुत केयर करते हैं, चीजों को बहुत लाइटली नहीं लेते हैं, तो और ट्रैफिक आप रूल्स को फॉलो करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि वहां पर उस घटना के घटित होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन फिर भी यदि मान लीजिए उसी समय पर आपके परिवार के और सदस्यों की कुंडली में भी इसी तरह की कोई घटना का संकेत मिल रहा है, तो वो घटना फिर जरूर घटित होती है, लेकिन आपकी सावधानी की वजह से वो घटना बहुत छोटे रूप में हो जाती है कि आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, आगे की हेडलाइट टूट गई और आपको कुछ नहीं हुआ। लेकिन वहीं यदि आप मान लीजिए अपना कर्म उसी तरह का रखते हैं जैसे आपका है, लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, तो फिर यहाँ पर वो घटना बड़े रूप में घटित होगी और उसका इम्पैक्ट आपको आपके लाइफ में देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें यहाँ पर अभी देखिए, घटना घटित होगी ये बात समझ में आ रही है, लेकिन आपका अपना पुरुषार्थ भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब अगर व्यक्ति ये सोचे कि मेरे साथ तो ऐसा होना ही है, मैं फिर कर्म क्यों करूं, तो फिर हम कर्महीन हो जाएंगे और कर्महीन होने पर कभी भी एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती है। एस्ट्रोलॉजी केवल आपको ये बताती है कि आपके आने वाले समय में इस तरह का माहौल आपको मिलना है और उस माहौल में आप अपने आप को कैसे तैयार करेंगे, ये आपका पुरुषार्थ है। तो सर ये जो आप लोगों की मदद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही लोगों को मोटिवेट करते रहिए, आगे बढ़ाने में मदद करते रहिए। थैंक यू सर। सो अभी आप मिले मिस्टर मनोज गुप्ता से, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं, जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं, कई सारे लोगों की मदद ऑलरेडी कर चुके हैं। ऐसे ही माय फिल्म लेजेंड अवार्ड पावर्ड बाय एस्ट्रा ग्रीन की इस सीरीज में मैं आरजे जिया बहुत से लोगों से आपको रूबरू करवाते रहूंगी। एस्ट्रो कंसल्टेंट कैटेगरी में अवार्ड जाता है शुभ रतन के मनोज कुमार गुप्ता जी को। माय एफएम लेजेंड अवार्ड्स